फिर आया कोरोना ग्राफ में उछाल, 24 घंटे में 21 पॉजिटिव मिलने के बाद संख्या हुई 438। प्रेम तिकोड़ के कारण गोली मारकर की गई थी युवती की हत्या, एक नाबालिग सहित दो आरोपी पकड़ाए। मुस्लिम समुदाय के मातमी पर्व में पहुंचे सांसद नकुलनाथ, ताजियों के पास पहुंचकर मांगी दुआएं। वनोपज से आजीविका चलाने वालों से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे वन मंडल अधिकारी। और शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के शिक्षक शाहिद अंसारी को मिलेगा दिल्ली में सम्मान, खिरसा डोह में गणित के हैं शिक्षक। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 26 अगस्त को जारी मीडिया बुलेटिन में संक्रमितों की संख्या 417 और 27 अगस्त को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार 438 पॉजिटिवों की संख्या हो चुकी है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार एक दिन में 21 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। एक और संक्रमित की मौत होने के बाद अब जिले के 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 312 ठीक हो चुके हैं और 120 संक्रमित आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। बुधवार की सुबह चौरे क्षेत्र के ग्राम बरेली पार के नाले में मिली युवती की लाश की गुत्थी जिले की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा ली। मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसमें सिवनी निवासी मृतका नागपुर जाने के बाद किसी और युवक से प्रेम करने लगती है, जिससे आरोपी युवक को नागवार गुजरता है। वह अपने एक वयस्क साथी और एक नाबालिग के साथ मिलकर स्विफ्ट कार में युवती को बहलाकर लाए आकर उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। मुस्लिम समुदाय के मातमी पर्व मुहर्रम में ताजिए को पहले ही बनाया जाता है, जिसमें लोग अपनी अपनी मुरादें भी मांगते हैं। जिले के लाडले सांसद नकुलनाथ ताजिए के पास पहुंचकर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की कामना करते हुए कोरोना वायरस से जल्द निजात दिलाने की दुआ की। इस दौरान कई मुस्लिम नेता भी उनके साथ दुआ किए। जितने भी हाजरी में अल्लाह की जायज मुरादाना को पूरी फरमा दी, अल्लाह इमाम हुसैन के सत्ते दुफेल में सौदाई कर गए, सत्ते दुफेल में साहब जो भी मुराद लेके आए उसकी मुरादों को पूरी फरमा दे। वनों पर आधारित रहकर अपनी आजीविका चलाने वाले ग्राहकों से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे मुखातिब हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि शासन ने वनोपज अचार, गुठली और महुआ को लेकर समर्थन मूल्य तय कर दिया है। यदि तय मूल्य से ज्यादा दामों में व्यापारी खरीदी करता है तो उसका विक्रय करे, अन्यथा शासन 120 रुपये किलो अचार, गुठली और 35 रुपये की दर से महुआ की खरीदी करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छिंदवाड़ा वन व्रत के अंतर्गत पश्चिम वन मंडल से 5 संग्राहक शामिल हुए थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पश्चिम वन मंडल अधिकारी आलोक पाठक, दक्षिण वन मंडल अधिकारी साहिल गर्ग मौजूद रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जो वनों से प्राप्त होने वाली महुआ, अचार, गुठली, महुआ गुल्ली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, इसका जो संग्रहण करके और ये जो व्यापारी लोग खरीद रहे हैं, तो सरकार की योजना है कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर ऊपर कोई व्यापारी खरीदता है तो वो अलाउ करते हैं और वो खरीदें, और अगर उससे कम में कोई खरीद रहा है तो उस इलाके में फिर सरकार उस समर्थन मूल्य पर वो वन उत्पादों को खरीदती है। उसी के संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीधे सभी संग्राहकों से चर्चा की गई, और उसमें जो हमारे पातालकोट क्षेत्र से, तिलाखाड़ी तामिया क्षेत्र से लोग आए थे, उनसे उन्होंने उनको भी यहाँ पे अपन लाए थे। सभी पूरे प्रदेश के जितने भी संग्राहक थे वो सब आए थे और उनसे सीधे रूबरू चर्चा की। देश भर में शिक्षक दिवस पर सम्मानित करने के लिए शिक्षकों का चयन हो चुका है। चयनित हुए 47 शिक्षक में से छिंदवाड़ा जिले से एक शिक्षक हैं, मोहम्मद शाहिद अंसारी, जिन्हें शिक्षक दिवस पर दिल्ली में होने वाले सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। शाहिद अंसारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडो में पदस्थ गणित विषय के शिक्षक हैं। गणित विषय में राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर होने के साथ शिक्षा में नवाचार के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है। यूट्यूब के माध्यम से गणित के सवालों को हल करने वाले शाहिद को पहले भी 2019 में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उनका इंप्रेशन अवार्ड में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी, छात्रों को मार्गदर्शन में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर और 3 बार राज्य और 9 बार जिला स्तर पर चयन हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से 2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें शाहिद अंसारी के अलावा अन्य शिक्षक टीकमगढ़ से हैं। सबसे पहले इसका श्रेय मेरे पिता श्री एसए अंसारी, जो कि पूर्व मैं शिक्षक थे और रिटायर हो चुके थे, उनको देना चाहूँगा। मैं अपने परिवार को और साले परिवार की प्राचार मैडम को और मेरे समस्त शिक्षक सहपाठी शिक्षक शिक्षिकाओं को और मेरे जिले से राज्य से जो मेरे साथ जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उनको देना चाहूँगा। मेरे द्वारा काफ़ी सारे TLM गणित शिक्षण के रूप में बनाए गए हैं। मास्टर ट्रेनर के रूप में भी मैंने काम किया हूँ, तो उसमें भी पढ़ाने से संबंधित जो गणित में कठिन अवधारणाएं उनको स्पष्ट करने के लिए सरल रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ TLM जो कि कबाड़ से या
काफ़ी सरल माध्यम से जो बनाए जा सकते हैं शिक्षकों के द्वारा वो तैयार किए गए, और इस प्रकार से एक प्रोजेक्टर भी तैयार किया मैंने जो कि मोबाइल से चले थे। इसके द्वारा मुझे उपलब्धि हासिल हुई, नवाचारी शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ माननीय उमा शंकर गुप्ता जी के हस्ते, और इसके बाद मुझे ICT अवार्ड के रूप में जो हमारे माननीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी के द्वारा मुझे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। सौसर में गुरुवार को प्राइवेट बस चालक परिचालक कल्याण संघ की जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की उपस्थिति में तहसील स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष निजामुद्दीन अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोटू कटारिया, उपाध्यक्ष रविंद्र बंसोड़, सचिव कैश खान नियुक्त किए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष निजामुद्दीन अंसारी ने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण चालक परिचालक बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही मोटर मालिक की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता मिल रही है। एक परिवार ऐसा भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी 111 वर्षों से गणेश स्थापना करता आ रहा है। छिंदवाड़ा के ग्राम रोहना कला में एक विश्वकर्मा परिवार है जिनके परदादा, दादा, पिता, पुत्र गणेश जी के हर साल स्थापना करते हैं। विश्वकर्मा परिवार है। परिवार के एक सदस्य शरद विश्वकर्मा ने बताया कि हम तीन भाई हैं, सभी लोग अलग अलग निवास पर रहते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के पहले सभी लोग एक स्थान पर एकजुट होकर गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं। गणेश विसर्जन के बाद हम सभी लोग अपने अपने निवास पर चले जाते हैं। गणेश उत्सव एक दिल के रिश्ते को जोड़ता है। इसी के साथ बुलेटिन वस्तु चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान निदेशी एकेडमी के साथ। अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निदेशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एडमिशंस ओपन फॉर UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निदेशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671131। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक जगह ऐसी भी है जहां से रेल गुजरते हुए यात्री और आसपास के रहवासियों के दिल कांपते हैं। यह जगह है जुन्नारदेव परासिया मार्ग के रेलवे ट्रैक का अंग्रेजों के जमाने का पुल, जिसमें दोनों ओर पेड़ पौधे झाड़ियां उग रही हैं। पत्थरों से बने इस पुल में खरपतवार पेड़ पौधे की जड़ें अंदर तक प्रवेश कर चुकी हैं, जो पुल को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। इस रेलवे ट्रैक से जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से दिल्ली, भोपाल, इंदौर से आने वाली भारी भरकम ट्रेनें और मालगाड़ियों का आवागमन होता है, जिसके मेंटेनेंस की ओर अभी तक रेल विभाग का ध्यान नहीं गया। बुधवार के देर शाम तक चले हिंदी प्रचारणी समिति के चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें शिव कुमार गुप्ता अध्यक्ष और गुणेंद्र दुबे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके पूर्व समिति के सदस्यों के चुनाव हुए थे, बाद में समिति के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित चुने गए। श्री शिव कुमार दुबे जी अध्यक्ष, श्री गुणेंद्र दुबे उपाध्यक्ष एवं श्री प्रकाश साव मंत्री निर्वाचित हुए। इनकी कार्यकारिणी 18 सदस्यों की है, इस तरीके से ये 21 कुल सदस्य की नौ निर्वाचित कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसका मैं आज सूचना फलक पे सूची को चस्पा करता हूँ और कार्यालय को देता हूँ आज, और इस निर्वाचन कार्य के लिए
को संपन्न करने के पश्चात मैं अपने कार्य से अपने आप को मुक्त मानता हूं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार गुरुवार को खनिज एवं परिवहन अमले के द्वारा की गई कार्रवाई में ओवरलोड 5 डंपरों को जब्त किया गया। लिंगा बायपास में जांच के दौरान 5 डंपरों की जांच की गई, जिसमें 3 में खनिज गिट्टी और 2 वाहनों में खनिज रेत भरी हुई थी। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि उक्त वाहनों में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में खनिज का परिवहन करते हुए पाए जाने पर उक्त सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस चौकी उमरानाला में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया और प्रकरण तैयार किया गया। जांच दल में खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर सहित परिवहन दल के उड़नदस्ता प्रभारी कैलाश भलावी, राजेश शिरपाचे, प्रवीण बनाती शामिल रहे। सौसर में बैंड बाजा बजाकर जीवन यापन करने वाले मातंग समाज के लोगों ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता की मांग की है। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 माह से शादी का पूरा सीजन खराब हो गया, भूखा मरने जैसी नौबत आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने गणेश उत्सव के समय गणेश विसर्जन के बैंड बजाने के लिए अनुमति भी मांगी। ज्ञापन देने में अनुसुयाई जिलाध्यक्ष सैयद जुबैर अली और संदेश खड़गे आदि लोग मौजूद रहे। मातमी पर्व मुहर्रम के अवसर पर मन्नत के शेर शहर में जगह जगह नाचते हुए दिखाई दिए। बैल बाजार क्षेत्र में आज 5 शेरों के द्वारा अपनी टोली के साथ सज धज कर नाचते हुए निकले। जुनारदेव नगर पालिका से लगी ग्राम पंचायत दातला वादी की मुख्य सड़क जानलेवा बन चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बायपास सड़क जो नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा सारणी और जुन्नारदेव शहर को जोड़ती है, इसकी हालत इन दिनों बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन इस समस्या की तरफ ना तो जुन्नारदेव प्रशासन का कोई ध्यान है और ना ही क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक इस भीषण समस्या पर संज्ञान लिया है। इस समय भारी बारिश के चलते सड़क की हालत और गंभीर हो गई है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि गड्ढे भरकर पानी निकासी की जावे और बारिश रुकते ही अधूरे पड़े सड़क निर्माण को पूरा कराया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इन दिनों चिकित्सक मरीजों की नब्ज पकड़ने से भी बच रहे हैं। ऐसे ही एक शिकायत जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मोहखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम लिंगा में स्थित आरोग्य केंद्र की सामने आई है, जहां चिकित्सक मरीजों की नब्ज पकड़ने को तैयार नहीं है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को गेट के बाहर और ओपीडी कक्ष के बाहर से ही बीमारियों का लक्षण पूछकर उन्हें दवाएं लिख दे दी जाती हैं। इस दरमियान यदि कोई मरीज अपने स्वास्थ्य में आ रही गिरावट में बताना भी चाहे तो यह कहकर शांत करा दिया जाता है कि यहां केवल दवाइयां मिलेंगी और अधिक समस्या हो तो किसी निजी अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाएं। गरीबों को छत मुहैया नहीं हो पा रही है। इधर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के रहने के करोड़ों रुपए शासकीय आवास निर्माण किए जाने के बाद भी भवन में कोई नहीं रह रहा है और न रहने के कारण ये भवन खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। मोखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़गवाऊ में वर्षों पूर्व तहसीलदार राजस बाबुओं के रहने के लिए सरकारी आवास निर्माण किया गया, लेकिन कोई भी इस बने शासकीय आवासों में रहने को तैयार नहीं है। पिछले 6-7 सालों पूर्व इस भवन का निर्माण कराया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण के बाद भवन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया था। जिला अस्पताल के बाहर इन दिनों दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इन दुकानदारों के पास दूध, पानी या कोई भी अन्य सामान हो, सभी के दाम प्रिंट रेट से 20-25% अधिक दामों में बेचे जा रहे हैं। उन पर प्रशासन की कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है। चाहिए शादी आपकी 15 प्रिंट है तो आप कितने की दे रहे हैं? 20 की देंगे। 20 की देंगे? हाँ। पक्का 5 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हैं? 5 रुपए तो देंगे नहीं, नहीं तो 15 रुपए प्रिंट है तो प्रिंट रेट से ज्यादा नहीं देना चाहिए ना। 20 रुपए आपको पक्का भी नहीं दिए। प्राइवेट स्कूलों के हित में प्रदेश स्तर पर आवाज उठाने वाला निजी स्कूल संगठन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष अजीत सिंह द्वारा जिले के ऊर्जावान स्कूल संचालक अखिलेश सिंह चौहान को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिलेश चौहान को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष बनने पर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों और जिले के स्कूल संचालकों ने बधाई दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।